नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर शहर में विद्युत विभाग के जेई के साथ कल शरारती तत्वों द्वारा मारपीट की गई और कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी की गई, जिसमें संविदा कर्मी जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एक नामजद तथा 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल कल दोपहर 3 बजे के करीब 4-5 अज्ञात युवक कार में सवार होकर ग्रामीण बगली बिजली घर पहुंचे। वहां बैठे अपर अभियंता अरुण कुमार यादव से विद्युत सप्लाई न आने का कारण पूछा। बताया गया कि सप्लाई आगे से बंद है। इतना सुनते ही युवक आग बबूला हो गए, जेई अरुण कुमार यादव के साथ मारपीट करते सरकारी दस्तावेज फाड़े व कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने आए ऑपरेटर राजेश कश्यप के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग में आक्रोश फैल गया। जेई अरुण कुमार यादव द्वारा अंकित यादव सहित 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बिजनौर से आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। स्पाई क्लिनिक, हड्डियों व नसों से संबंधित किसी भी बीमारी का पक्का इलाज, डॉक्टर एच के पूर्व चिकित्सक, भारतीय सर्वश्रेष्ठ नौसेना अस्पताल, नई दिल्ली। पता स्टेशन चौराहा, चौधरी फर्नीचर के सामने, नजीबाबाद रोड, किरतपुर। अब आपने क्या किया उनके खिलाफ? हम लोग आके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए, जिस पर दबिश दी जाएगी। ठीक है, समस्या बताइए जय साहब, क्या थी आपकी? मैं अरुण कुमार यादव, अगर अभियंता रामपुर बखली, विद्युत उपकेंद्र विभाग की कार्य कर रहा था, तभी कुछ अज्ञात 4 से 5 लोग अज्ञात व्यक्ति विद्युत उपकेंद्र पर सप्लाई के लिए आ धमके। उस समय हमारे सब स्टेशन पर सप्लाई फेल थी, इससे उनसे और इसमें उनसे और मुझमें बहस हो गई कि सब हमें सप्लाई को। किस बात पर बहस हुई आपकी उनसे? सप्लाई को लेकर बहस करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और उसके बीच में मेरे ससुर जो वहाँ राजेश कश्यप बैठे थे, उन्होंने उन्हें टोका कि गाली क्यों दे रहे हो, इससे मुझे छोड़कर वो उनसे हथापाई करने लगे और मार पिटाई करने लगे, और बिजली घर पर सरकारी दस्तावेज फाड़ भी दिए और ससुर को लाठी डंडों से पीटा, और बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।